नमस्कार दोस्तों, दावत किचन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ वेट लूज डिनर रेसिपी और ये बहुत ही हेल्दी है। ये है मखाना चाट। लो कोलेस्ट्रॉल, हाई इन प्रोटीन, लो फैट, हाई इन फाइबर एंड कैल्शियम रिच। आइए इसको बनाते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक कप लिया है मखाना, इसको मैं बीच में से काट रही हूँ। आप इसको साबुत भी ले सकते हैं। मखाने बिल्कुल रेडी हो गए हैं, ये देखिए काट लिया है मैंने इनको। अब हम एक पैन को गरम करेंगे, उसमें ले रही हूँ मैं आधा चम्मच देसी घी। मखानों को हम लो आंच पर बिल्कुल इसको भून लेंगे, देखिए इस तरीके से। और ये मखाने बिल्कुल हमारे अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं, इनको निकाल लेंगे। मैंने यहाँ पे लिया है 4 चम्मच मूंगफली, इनको मैंने अच्छे से भून लिया है। और 1 चम्मच मैंने लिया है तिल, और इसको भी हल्का सा भून लेंगे। मूंगफली में बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है, लो कोलेस्ट्रॉल होती है, और तिल में बहुत अच्छी मात्रा में कैल्शियम होता है। जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक मैंने एक बाउल में लिया है मखाने, और इसमें मैं डाल रही हूँ, मैंने यहाँ 1 कप मखाने लिए थे तो मैं इसमें ले रही हूँ 1.5 कप दही। ये लो फैट कर्ड है, इसको मैंने अच्छे से फेंट लिया है, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे मखाने में। और इसमें डालेंगे हम रेड चिल्ली पाउडर स्वाद के अनुसार, नमक स्वाद के अनुसार, और मैं यहाँ पे ले रही हूँ पिज्जा सीजनिंग यानी कि ओरिगेनो। मैंने यहाँ पे कुछ सब्जियां काट के रखी हैं, जिसमें एक टमाटर है, थोड़ा धनिया की पत्ती है, एक मीडियम साइज की प्याज है और 2 हरी मिर्च है, और इन्हें भी हम मखाने के अंदर एड कर लेंगे। टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, आप चाहे तो इसमें और भी सब्जियों को ऐड कर सकते हैं। सब्जी में बहुत अच्छी मात्रा में मल्टी विटामिन्स होते हैं और फाइबर से ये रिच होते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर भुनी हुई मूंगफली और तिल भी ऐड कर देंगे। तिल और मूंगफली दोनों ही न्यूट्रिशन से भरपूर होते हैं, प्रोटीन बहुत अच्छा होता है, लो इन कोलेस्ट्रॉल होते हैं। कुल मिला के ये जो चाट बन रही है ना, ये बहुत ही यम्मी बनने वाली है। लो कैलोरी, हाई इन प्रोटीन एंड कैल्शियम, लो फैट। आप इसको अपने डिनर में या फिर आप इवनिंग स्नैक्स में आप इसको इजीली ले सकते हैं। कई बार हम जब वेट लॉस जर्नी में होते हैं ना, तो कई बार हम लोग अपनी डाइट से ना बोर हो जाते हैं, तो ये ऐसी डाइट है जो एकदम चाट की तरह चटपटी है और वेट लूज में बहुत हेल्प करती है। अच्छे कलर के लिए मैंने इसमें अनार मिला दिया है, अनार के दाने हैं ये, मैंने 2 चम्मच इसमें अभी ऐड करे हैं, और मैंने इसमें धनिया की पत्ती डाल दी है, और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हम इसे करेंगे सर्व। देख रहे हैं कितना, देखने में ही कितनी यम्मी लग रही है। और ये हेल्दी चाट हमारी मखाना चाट बनके तैयार हो गई है, और अब आप इसका लुफ्त उठाइए। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप मेरे संग YouTube और Facebook पे भी जुड़ सकते हैं। नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा। देखिए मैंने इसको अनार के दानों से गार्निश कर दिया है, 4 चम्मच मैंने यहाँ अनार के दाने लिए हैं, और 1 चम्मच तिल से मैंने इसको गार्निश किया है। और दोस्तों इस हेल्दी रेसिपी को, इस हेल्दी डिनर रेसिपी को आप एंजॉय करिए, और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो थम के निशान पे क्लिक करना मत भूलिएगा, थम के निशान पे क्लिक जरूर करिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।